पढ़ेंगे, फेंकेंगे, पढ़ेंगे, आज कोर्ट में मेरा पहला दिन था। बड़ी मुश्किल से आज एक लड़की बैरिस्टर मुकदमा लड़ सकती थी, पर वो कोर्ट रूम तक नहीं जा पाई। मैं मुकदमा नहीं लड़ पाई, क्यों? सिर्फ आपकी वजह से। आज एक लड़की बैरिस्टर जिसने उतनी ही मेहनत की बैरिस्टर बाबू बनने की जितना कोई लड़का बैरिस्टर करता है, पर वो मुकदमा लड़ नहीं पाई, अपनी काबिलियत नहीं दिखा पाई। क्यों? क्योंकि आपने मुकदमा बाहर ही सुलझा दिया। ऐसा करने से अगर आपको लग रहा है कि आपकी बौंदिता पीछे हट जाएगी, तो आप जानते हैं ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने ठान लिया है कि यही रहूंगी, हमेशा आपके सामने मन रहूंगी। आप जहां मुड़ेंगे वहां दन बनाकर आ जाऊंगी आपके सामने। आपने ही कहा था ना एक बार कि हर मुश्किल के दो ही हल होते हैं, एक उसे भाग जाओ या फिर उसे लड़ लो। और बौंदिता दास भागने वालों में से नहीं है, इसलिए मैं लड़ूंगी जिंदगी में भी और कोर्टरूम में भी। आपसे ही जीतना सीखा है, तो आपसे तो कभी हार नहीं मानूंगी मैं। आपकी जिद्दी शिष्य बौंदिता, आखिर आपसे चिट्ठी पढ़वा ही ली सका बाबू। आज मेरे मन की बात पहुंच ही गई आप तक, जल्द ही मैं भी आपकी मन की बात जान लूंगी। बिल्कुल सही फैसला लिया था मैंने सालों पहले। हाँ, तभी तो जैसा आप चाहते थे वैसा ही हुआ। हुआ है, पर पूरा नहीं। 8 साल पहले बौंदिता मुझे इस मंडप में छोड़ के भाग गई थी सखा बाबू के साथ, लेकिन मैंने अपने मन का कहा, कभी किसी को दिखने नहीं दी। और मैं यहां आ गया इस हवेली में जमाई बन के। रॉय चौधरी और दास परिवार के बीच की दुश्मनी को हवा देने के लिए। और देखो, इस दोनों परिवार की दुश्मनी ने इन दोनों गांव के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे ना कोई पार कर सकता है और ना ही तोड़ सकता है। सच कहता हूं, अब चाहे बौंदिता कितनी भी कोशिश कर ले इस रिश्ते को जोड़ने की, पर जिस कगार पे लाके मैंने छोड़ा है इस रिश्ते को, उसे कोई नहीं जोड़ सकता। अभी तो वो अपने हर सपने को, हर अरमान को, सारी खुशियों को जीते हुए देखेगी। और चलाएगा कौन? सखा बाबू। हाँ। टुपुर दीदी, टुपुर दीदी, मेरे बालों में तेल लगा दो ना। टुपुर दीदी, आज मैं तेल लगा देती हूँ। तुम लगाओगे? वैसे मुश्किल तो है, क्योंकि मेरे हाथ तेल लगाने से ज्यादा गला दबाने में माहिर है। मेरा मतलब था कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, विदेश से आई हो, तो रिश्तों की सड़क तो दिल से होकर जाती है, देश विदेश होकर नहीं। और मेरे पढ़ाई लिखाई करने से हमारा रिश्ता कैसे बदल जाता? हम तो आज भी बचपन वाली प्यारी बहनें और हमेशा रहेंगे। ताहुल, याद है हम बचपन में कैसे साथ पानी भरने जाते थे, खेलते थे, और दुर्गा मंदिर का वो प्रसाद, उसका स्वाद तो आज भी याद है मुझे। हम कल चलेंगे। वहां जाने की सोचना भी मत दीदी, दुर्गा मंदिर अब हमारा नहीं है, दुश्मनों का है। हम कृष्णा नगर वाले तो बस दुर्गा मंदिर के पीछे के हिस्से तक ही जा सकते हैं, दर्शन वाले हिस्से की तरफ नहीं। ये कैसी बात हुई? मैं तो दर्शन करूंगी। नहीं कर सकते, दुर्गा माँ की पूजा का अधिकार अब सिर्फ तुलसीपुर वालों को ही है। क्या अपनी दुश्मनी में हमने दुर्गा माँ को भी बांट दिया? हाँ दीदी, अब दुर्गा माँ के मंदिर का अधिकार सिर्फ उसको है जो तलवारबाजी का वार्षिक मुकाबला जीतता है।
तीन साल से तुलसीपुर से बरिस्तर बाबू ही जीत के आ रहे हैं। इस साल का भी मुकाबला बस एक ही महीने बाद है, और जिस तरह बरिस्तर बाबू रोज मंदिर की प्रांगण में तैयारियां करते हैं और तुलसीपुर वाले लोगों को तलवारबाजी सिखाते हैं, मुझे तो लग रहा है इस साल बरिस्तर बाबू ही। दीदी, अब सब बदल गया है। आपके सखा बाबू अब बरिस्तर बाबू बन गए हैं, एक ऐसे ज्वालामुखी बन गए हैं जो कभी भी सबको जलाकर राख कर देगा। आज आपका ढेर 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 सारा आशीर्वाद चाहिए मुझे दुर्गा माँ, आज बहुत जरूरत पड़ने वाली है उसकी मुझे। यही भव, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है बरिश्ते बाबू। पंडित जी, जैसा काका चाहते हैं वैसे हर महीने की एकादशी की महापूजा की तरह इस महीने की पूजा में भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है बैरिस्टर बाबू। सखा बाबू, बहुत डर लग रहा है आपको तलवार के साथ देखकर। तलवारबाजी ध्यान और नजर का खेल है। चलो अब मेरे साथ तलवारबाजी करो। ऐसे वार करना, हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? बुखार है? अब आपको कैसे बताऊं कि अपने सखा बाबू पर वार नहीं कर सकती बॉन्डिता? कुछ कहा? अब आपको कैसे बताऊं कि बॉन्डिता अपने सखा बाबू पर वार नहीं कर सकती? कभी नहीं,
मैं तो पाँव छूंगी आपके। देखो घबराओ मत, निडर बनो, वार करो मुझ पर, आओ। दुर्गा माँ, तेरा अनेकों अनेकों धन्यवाद। आज अपने शिक्षक बाबू के पांव छू लिए मैंने। आखिर शिक्षक बाबू ही तो मेरे गुरु हैं। उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू दुर्गा माँ। ऊपर आओ। फिर से याद दिलाऊं, पत्नी का धर्म ये जो बाहर मैं तेरा प्यारा पति होने का नाटक कर रहा हूं, इसको तू सच समझकर सड़क पे चढ़कर सर पे नाचने मत लग जा। पांव की जूती की जगह पांव में ही अच्छी लगती है। सुनिए, आप कब तक आएंगे? देख, मेरी नहीं अपनी बहन की चिंता कर। टापुर को क्या हुआ? टापुर नहीं, मैं बौंदता की बात कर रहा हूं। मैं उसे अपनी बहन नहीं मानती। वो कुछ भी करे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता, तुम जियो या मरो, लेकिन बौंदता क्या करती है से मुझे बहुत फर्क पड़ता है। आप अभी भी बौंदिता को पसंद करते हैं? देख, ध्यान से देख अपने इस चेहरे को, देख सकती? देख, हमारे इस बदसूरत रिश्ते का बोझ ये सालों से उठाता रहा, तो तुझे तो शुक्र मनाना चाहिए। इतना सब होने के बावजूद अनिरुद्ध से रिश्ता बनाए रखना चाहती है बौंदिता, वो तो मैं नहीं।
घाव गहरा है, दवा लाया हूँ लगवा लो, वरना घाव नासूर बन जाएगा। लगता है तुम तलवारबाजी सीखने ही नहीं आई थी। कौन हो तुम? ये तो आपको तय करना है कि आप मुझे क्या समझना चाहते हैं, घाव या मरहम सखा बाबू। आज से आप हो मेरे सखा बाबू। तो आज से मैं तुम्हारा सखा बाबू और तुम मेरी सखी। जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी सखा बाबू। कोई फायदा है क्या जवाब जानकर? मुझसे ये तड़प, यही जवाब है तुम्हारा। चली जाओ यहां से, दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस रिश्ते से। अब रिश्ता तो मानी, ऐसी 100 चोटे खाने को तैयार है बॉन्ड देता। बस एक बार मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं हंसते हंसते अपनी जिंदगी आपकी हथेली में रख दूंगी। फिर आपको जो फैसला लेना आप ले लीजिएगा। हाथ छोड़ो मेरा। नहीं, आप कहोगे तो मैं दुनिया छोड़ दूंगी, पर जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिल जाता, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मेरे पास। सखा बाबू, आप ही ने तो सिखाया था ना कि ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता जिसका जवाब ना हो। और मुझे बताइए, क्यों है इतनी दुश्मनी? ये कैसे सखा बाबू है जिन्हें मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ, जिसे बैरिस्टर बाबू बॉन्डिता दास कहते कहते आपकी जुबान नहीं तकती थी? आज आप उसका नाम लेने में भी हिचकिचा रहे हैं। क्यों सखा बाबू, क्यों? क्यों आप मुझे बैरिस्टर बाबू बॉन्डिता नहीं बुलाना चाहते, जिसे बचपन में बैरिस्टर बाबू बनने का सपना दिखाया, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गए आप। आज वो सपना आपके सामने आके खड़ा है और आप मुंह मोड़ के खड़े। क्यों सखा बाबू, आप क्यों मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते? मुझे बताइए तो, क्या हुआ है इन 8 सालों में? आप इतने बदल क्यों गए सखा बाबू, बताइए ना सखा बाबू, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। सखा, चली जाओ यहां से और दोबारा लौट के मत आना। कृष्णानगर से हो दुश्मन हो मेरी, पर मैं अपने दुश्मन की शक्ल नहीं देखना चाहता, कभी नहीं। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पर मैं वापस जरूर आऊंगी। दुग्गा माँ साक्षी है मेरी जिद की। जब तक मुझे मेरे सखा बाबू से जवाब नहीं मिल जाता, मैं आपके सामने आती रहूंगी और जवाब मांगती रहूंगी। जैसे रात चाहे जितनी भी लंबी हो, कल सवेरा जरूर होगा, वैसे ही आज हमारी दुश्मनी चाहे जितनी भी गहरी क्यों ना हो, कल उतनी ही गहरी दोस्ती जरूर होगी। रिश्ता